अच्छा तो टॉस होता हुआ एक तरफ रहने वाली भाई SBS बड़ौत, तो भाई दूसरी तरफ बात करें जसोर खेड़ी की टीम, भाई साथियों जसोर खेड़ी की बहुत मजबूत टीम है और मजबूती बनती है जो ये दो खिलाड़ी कोर्ट में आ गए, उज्जवल करमवीर और नितिन, तीन रेडर होने रहने वाले हैं। अब जीत डागर अच्छा मुकाबला देखने को लगा SBS बड़ौत और जसोर खेड़ी के बीच, टॉस जीता था भाई जसोर खेड़ी ने और बड़ौत की तरफ से भाई पहली रेड। भाई टच का दावा किया गया था, स्वीकार किया गया, टीम में कतर रन नहीं थी, खाता खुल चुका भाई SBS बड़ौत का। करमवीर इस समय रेड में, भाई डुबकी लगा दी है, कमाल की डुबकिया, और भाई मल्टी पॉइंट रेड देखने को मिली, नितिन भाई पांच के डिफेंस में पहली रेड करते हुए, इस मुकाबले की 2-1 स्कोर है, जसोर खेड़ी बनाओ मैं SBS मार्क पर, और भाई कमाल का एक और साइड इंटरेस्ट देखने को मिला है, अच्छी टीम है, बहुत मजबूत टीम है जसोर खेड़ी की बात करें तो। मैं भाई थोड़ा अचंभित हूँ, गौरव जैसा रेडर अगर आपके पास अंदर है तो आप किसी प्लेयर को कोई भी ऑब्जेक्शन होगा अपने रेफरी साहब को बोलेगा और प्रेम से करेगा भाई अपनी एफआईआर, जो डिसीजन ये लेंगे वो मान्य होगा। अब जीत इस समय में काम वालों से ये प्रार्थना करता हूँ कि ग्राउंड में कोई ना पड़े, सिर्फ जो फील्ड के कार्यकर्ता है मेरे रहेंगे, जो भी और भाई कैच लगा दिया डिफेंस ने, नित्य तीर के डिफेंस में सुपर टैकल ऑन, क्या सुपर टैकल को अंजाम दे भाई SBS बड़ौत, टाइम तो परफेक्ट लगाई है और सुपर टैकल को भी अंजाम दे दिया, 3-4 का स्कोर है। पहला हाफ काफी देर से शुरू हो चुका है तो इससे पहले कि अगला मैच शुरू हो उससे पहले अगले मैच की दोनों टीम तैयार रहेगी। नॉकआउट मुकाबला, कौन कहता है इश्क सताने लगा है, कौन कहता है इश्क सताने लगा है, जिंदगी का मजाक का भिड़ा है मेरा, अब उसकी मम्मी का भी पहना मिल रहा है। एक समय भी बड़ी लीड थी, शुरू में 3 पॉइंट की लीड ले ली थी, 4-1 का स्कोर था, लेकिन वो जो सुपर टैकल था उसने उस भाई स्कोर को बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया, 3-4 का स्कोर है जसोर खेड़ी बनाम SBS बड़ौत, शहीद भगत सिंह अकेडमी सम्मान को बचाने के लिए
और सेकंड राउंड में पहुंचने के लिए। स्कोर 3-4 फतेहपुर पुट्ठी बागपत कबड्डी टूर्नामेंट का सेकंड राउंड का पहला मुकाबला। या भाई ठीक है, फतेहपुर सद्भावना एकेडमी दिल्ली, ये दोनों टीम और हमारे जो भी जो यूट्यूब पर इन महत्वपूर्ण अंशों को मैच के अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, इनका चैनल है स्पोर्ट विद योगी। भाई स्कोर की बात करें तो मेरे हिसाब से तो भाई 5-4 स्कोर है, पर 5 होने चाहिए। जस और खेड़ी क्या वो जो इटावा और गुलबीर गर्ग का बोला था वो अभी थोड़ा सा डिले किया गया है, इसी कारण बस 4-5 स्कोर। मैच तो जिन टीम के साथ है उसी टीम के साथ होगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में होगा। पहले जिगरा क्लब फतेहपुर और सद्भावना अकेडमी। 4 का डिफेंस, तो भाई 4 का डिफेंस तो मजबूत डिफेंस माना जाता है अगर बात करें। देखते हैं भाई शहीद भगत अकेडमी ये अस्तित्व और अपने साख बचाने में कामयाब हो जाएगी। इससे पहले ये टीम ने मैच खेला उसे अपनी प्रतिद्वंदी टीम के सामने हथियार डालने पड़े। टू वो डाई रेड है भैया करमवीर सोम रेड में कॉर्नर ने डाई लगाई थी भैया, क्या टच से पहले कोई डिफेंडर भार गया भाई, क्या टच से पहले कोई डिफेंडर लॉन्ग नहीं गया। एक और वाइट डिफेंस देखने को मिला है, पॉइंट मिला है SBS बड़ौत को। स्कोर 4 है। लीड में 2 पॉइंट की समय SBS। ये है भाई अनुराग का कमाल, अनुराग और चिंटू का। बहुत बढ़िया प्रयास है, लेकिन ज्यादा सेव हो गए। अब जीते समय स्कोर है 5-6। पांच छह स्कोर है, 1 पॉइंट लीड में SBS समय। अच्छा कल्लू पंडित जी बैठे हो, जब मुल्ला को मस्जिद में भगवान नजर आए, जब पंडित को मस्जिद में रहमान नजर आए, फिर सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की। छह 5 का स्कोर। कमाल का भाई आसान। और SBS अकेडमी ने गौरव भाई बहुत समय के बाद देखे गए 7-5 का स्कोर है। चशोर खेड़ी समय 2 पॉइंट से पिछड़ गई। टू और टाइम एक बार फिर से गौरव 5-7 का स्कोर टू और टाइम रेडी कपाल की वही 500 की क्या अच्छा। स्कोर 6-7 अंतर है 1 पॉइंट का।
लीड में अभी भी एस बी एस वालों स्कोर हो गया भाई बराबर। सात स्कोर बराबर। अब दोनों का स्कोर सात सात बराबर है, दोनों में बराबर। लेकिन टीम का संतुलन अगर देखा जाए तो मनु क्लब पुट्ठी की टीम प्रभात सम्मान की है। पुराना और पुट्ठी में ज्यादा फर्क नहीं है। जितना हमारे पड़ोसी देश से संबंध बढ़ जाते तो क्रिकेट की प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, कितना खतरनाक जुड़ाव रहता था। हम अपने भारत के चक्कर में मस्जिद में हुआ करते थे, मंदिर में पूजा करते थे और तो उस जैसा माहौल बने। लोग पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कभी हम भी पिया करते थे और जितनी है पी के लहर जाते हैं उतनी है प्याले में छोड़ जाते हैं। साथ ही स्कोर सात सात बराबर है। राजा महाराजा हमें तो मुकाबला दोनों तरफ से डुअर ड्राइवर है। बहुत बढ़िया भाई, पॉइंट ले लिया। डिफेंस टूट रहा है। मध्यांतर भाई, मध्यांतर के समय 8-7 स्कोर है। एक पॉइंट की लीड फिलहाल एसबीएस ब्लॉक के पास है। क्या भाई उस लीड को बरकरार रख पाएगी एसबीएस? जिस तरह दिल्ली और जेडी के बीच मुकाबला हुआ था उसमें एक पॉइंट से दो पॉइंट से भाई लीड कर रही थी दिल्ली की टीम, लेकिन वो मुकाबला हार गई थी जेडी के सामने। स्कोर भाई 8-7, अंतर एक पॉइंट का है और लीड में इस समय एसबीएस। अब जी इड्डा कर इस समय में और ये भाई मल्टी पॉइंट रेड जीत लीड में आ गई। लो भाई 10 का नोट आ गया इनाम में। एक पॉइंट की लीड अब जशोर खेड़ी के पास आ गई। 8-9 का स्कोर। पहली ही डेट में भाई काम कर दिया अब जीतने। भाई दोनों टीम आ गए, 5 मिनट रह गए तो एक साथ लेने का प्रयास है अब जीत का। हम भी कदकाठे में रेड रहे हैं जिसका फायदा भी उठा रहे हैं। अगर खा गया हो तो आ जाओ भाई, 12 बजे तक समय दे दो, हर दिन प्रार्थना है, आ जाओ भाई जल्दी। लास्ट खिलाड़ी कौन है? वो भी संघर्ष को कैसे का होगा आपको आनंद आएगा। भाई स्पीड तो जबरदस्त है लेकिन स्पीड के सामने भाई पेस नहीं चली है, ऑल आउट मिलता हुआ। भाई साथ सेम गेम देखने को मिला है जो मुकाबला जेडी एकेडमी बनाम सद्भावना दिल्ली के बीच हुआ था। उसमें फर्स्ट हाफ में जो लीड कर रही थी वो सद्भावना एकेडमी दिल्ली कर रही थी 2 पॉइंट से, यहाँ 1 पॉइंट से एसबीएस कर रही थी। लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही मुकाबला भाई कमाल की एक अभिजीत की भाई और दोनों तरफ से रेड मार रहे हैं। लो भाई फिर से नोट आ रहा है 500 सामने से आए यात्री। उस मुकाबले में 8-10-8 स्कोर था फर्स्ट हाफ की समाप्ति पर, यहां 8-7 स्कोर था। तो 3 पॉइंट से अंतर मानो फर्स्ट हाफ के मुकाबले में, लेकिन वैसे ही 1 पॉइंट का अंतर था। और अब स्कोर की बात करें तो 8-15 स्कोर है, 7 पॉइंट की लीड आ गई है जशोर खेड़ी के पास। और वहां भी 10 पॉइंट लगातार अर्जित किए थे, ऑल आउट दिया था जेडी ने, यहां भी ऑल आउट दिया है और 8 पॉइंट अर्जित कर लिए। क्या 2 पॉइंट लेकर वही रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी? और भाई जल्दी से जल्दी आ जा, सभी कप्तानों से निवेदन है, आपको 10-20 मिनट पहले हमने अनाउंसमेंट कर रखा है,
हम वेट नहीं करेंगे भाई, अगर आपको फाइनल खेलना है जी तो भाई स्पीड पर खेलना है, जल्दी जल्दी आ जा, कार छोड़ दो भाई, मुझे जो कर लो भाई को देखो कुछ नहीं होता है, 50, 100, 200 रुपए से एक सम्मान होता है। मैं गांव में गए थे, फतेहपुर सिटी खेलने गए थे और वहां हमें ऐसे प्रधान जी गए 8-15 को मैं तो सोच रहा था यार 20 रुपए का नोट था, वो 10-20 का नोट था, लेकिन भाई ये 200 के नोट प्रधान जी की तरफ से जो आ रहे हैं। करमवीर ये अक्सर काम करते हैं भाई, वो जो रिकॉर्ड है वो बरकरार कर दिया, दोनों मुकाबलों में सेम गेम देखने को मिला अभी तक साथियों, लगातार 10 पॉइंट अर्जित कर लिए कोर्ट चेंज होने के बाद, यही गेम पहले हुआ था। ₹200 की रेट है अंत पांच मिनट का समशेष और सद्भावना भाई, इस कैच पर 200 रुपए, कैच पर एक सेकंड का भी सिलाई दे, अच्छा लो भाई 200 रुपए लगे चुके हैं, लेकिन रेडर ने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं की जो करनी चाहिए। अब जी डागर भाई 2 और 2.5 रेड है, ये 2 और 2.5 रेड है भैया, स्कोर है 8-17। और भाई लो पॉइंट लेकर गए, अंतिम 4 मिनट का समशेष, स्कोर है 8-18। ये भाई क्या मुझे लग रहा है यहाँ पे खिल रहा है ग्राउंड, खिला हुआ ग्राउंड हो सकता है क्या, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जहाँ एक टीम दूसरी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है तो वही टीम पिछड़ जाती है इस ग्राउंड में आने के बाद। अब जेडी का मैच देखना जाके, जेडी सद्भावना एकेडमी दिल्ली का सेम गेम देखने को मिलेगा, अभी तक खाता नहीं खुला है, 1 या 2 पॉइंट बने थे सेकंड हाफ में सद्भावना दिल्ली के और अभी तक 1 भी पॉइंट नहीं बनाया भाई एसबीएस का। तो भाई जो आगे टीमें आ रही हैं वो भी ध्यान कर लें जो वीडियो देख रहा है, अंतिम 2 मिनट का समशेष है, वो भी भाई ध्यान करें वीडियो देख कर के कौन सा ग्राउंड चूज करना है आपको। भाई ये छोटे छोटे बच्चे आठ बाईस बिल्कुल भाई मैं है जो औपचारिकता कह सकते हैं इस मुकाबले में, आप जीत सरप्राइज टैकल करना चाहते थे भाई निकल कर, नौ बाईस इसको पहला पॉइंट बनाया सेकंड हाफ में सद्भावना दिल्ली का, सद्भावना दिल्ली की तरह सेम गेम देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ का पॉइंट मिलेगा एक बार फिर से नितिन को, एक मिनट अंत में 1 मिनट का समस्या, बिल्कुल कह सकते भाई है जो औपचारिकता बाकी इस मुकाबले में और मुकाबला समाप्त होता बाजी मारते हुए इस मुकाबले में चशोर खुली। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। 9-23 के साथ बाजी मारी इस मुकाबले में चशोर खेल।